अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बड़ी घोषणा करते हुए सऊदी अरब को तगड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा है कि यमन युद्ध में अमेरिका की ओर से सऊदी अरब को दिए जा रहे सहयोग को वो रोक रहे हैं। उनके इस कदम से पता चलता है कि नई सरकार यमन में चल रहे गृह युद्ध को खत्म करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की पूरी योजना बना रही है। विदेश विभाग में एक संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस युद्ध को खत्म करना चाहिए। हम यमन युद्ध में आक्रामक ऑपरेशन के लिए अमेरिका के हर तरह के समर्थन को समाप्त कर रहे हैं, जिसमें हथियारों की बिक्री भी शामिल है। हालांकि अपने इस बयान में जो बाइडेन ने यह भी कहा कि वो सऊदी अरब को मदद देना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, सऊदी अरब कई देशों में ईरान के समर्थन वाली सेना से मिसाइल हमले, यूएवी स्ट्राइक्स और अन्य खतरों का सामना कर रहा है। हम उसे अपना समर्थन देना जारी रखेंगे। सऊदी अरब ने जो बाइडेन की इन बातों का समर्थन किया, खासतौर पर देश की रक्षा करने और उस पर मंडराने वाले खतरों को लेकर मदद करने के उनके इस बयान की सऊदी अरब में काफी सराहना की जा रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद ने बाइडेन प्रशासन के साथ यमन युद्ध में सऊदी अरब को सहयोग देना बंद करना, क्षेत्र में मुद्दों को सुलझाने और अमेरिका के साथ सहयोग बनाए रखने की बात का स्वागत किया है। विदेश मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, सऊदी अरब राष्ट्रपति बाइडेन के भाषण में सऊदी की सुरक्षा और क्षेत्र की रक्षा को लेकर व्यक्त की गई अमेरिका की प्रतिबद्धता का स्वागत करता है। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।